खूनी संघर्ष। छतरपुर जिले के लौकुश नगर थाना क्षेत्र के हरद्वार में बीती रात 2 बजे जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। हरद्वार निवासी भागवत दयाल पाल और उसकी पत्नी सुमित्रा पाल के साथ उसके सगे भाई और भतीजी ने जमीनी विवाद के चलते हमला कर दिया और उन दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के शिकार पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरद्वार के यार लौकुश नगर थाना। क्या हो गया, कैसे लगी है चोटें? जी सर, घर में घुस के मारपीट करी। किसने कर दिया? क्या नाम है? लतीराम लच्छू इंद्रपाल और चेतराम लल्लू भतीजे हैं सर। किस चीज को लेके विवाद हुआ? जमीन मध्य सर। इसकी शिकायत की है? हाँ हाँ सब लौकुश नगर में करी, सब सुनाई हमारी सर है ही नहीं है। देवेंद्र पाल कहाँ के हो? हरद्वार के लौकुश नगर थाना लगता है। क्या हुआ, कैसे लगी है चोटें? ये चोटें ऐसी लगी हैं कि मेरे चाचा और सगे भाई, मेरे मतलब चाचा के लड़के रतिराम पाल, लच्छू पाल, भूरा पाल, चेतराम पाल, लल्लू पाल, धन्नू पाल, इनने सर आज रात के आके मेरे 2 बजे मेरे पिता को मार दिया है कुल्हाड़ी। माता आई मेरी बचाने तो माता को भी मारा है, मुझ को भी कह रहे मारेंगे, तो हम सर लुक गए डर के मारे। किस चीज को लेके विवाद हुआ? जमीन मध्य सर, हमारी जमीन छुड़ाना चाहते हैं। कभी पहले भी इसका झगड़ा हुआ? इसका झगड़ा पहले भी हुआ था सर, 5 तारीख को हमने FIR किया था, तो सर पुलिस गई घर में और कुछ नहीं किया, उसने ना पकड़ा है, वो कह रहे थे हो जाएगा आपका निपट जाएगा, और जाली हमारी निकाल ली है, ना जाली दे रहे हैं, कह रहे बेच देंगे। वो आज हमारा रात के बिछुए निकाल लिया और गले का मंगलसूत्र निकाल लिया और 40,000 रुपया मांग के ले गए, बोले दे नहीं तो हम मारेंगे, और रजिस्ट्री ले गए हमारी। कैसे मारा है? आज कुल्हाड़ी से मारा इनने। हमारी माता को मारा, पिता को मारा, माता का नाम सुमित्रा पाल है, पिता का नाम भगवत दयाल पाल है, और हमको भी मारने की धमकी दे रहे थे। हमारा नाम देवेंद्र पाल है। इसकी थाने में शिकायत की है? कह रहे थे हमने थाने 20,000 रुपये भर दिए हैं, आप कहते 40 भी भर देंगे अगर तुमको मार देंगे पहचान से, और रिपोर्ट करने जाओगे अगर आज सुबह तो हम कल तुम्हें शाम के फिर मारेंगे। हाँ तुम्हें सूचना दी है हमने थाने में, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, बे बोरा 20,000 रुपये भर दिए हमने, 40 भरेंगे अब।